जिसके मुख से शिव नाम निकलता है उसको, जिसके हाथ से शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ता है उसको, जब भी तकलीफ आती है तो दुख की घड़ी क्षण उस व्यक्ति को पहले महसूस होने लगता है। घर में कई जीजियां ऐसी हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बुजुर्ग माताएं ऐसी हैं जो भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाली होती है ना, तो कई बार अपने बच्चे को राय दे देती है, ऐसा मत कर बेटा, बाद में नुकसान हो जाएगा, बेटा ऐसा मत करना, ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ कुछ होने वाला है। मतलब उसको पूर्वभान हो गया, शंकर की आराधना करने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को पूर्व का भान हो ही जाता। तुम रुका जी को लेकर गए हिमालय राज, जो तुम रुका जी ने माता पार्वती जी का दर्शन करा, प्रणाम करा मां को, मां को प्रणाम करा। हिमालय राज ने पूछा, तुम एक छोटी सी कन्या को प्रणाम कर रहे हो? तुम रुका जी कह रहे हैं, ये छोटी सी कन्या नहीं, इस कन्या का जो पूर्व का जन्म है वो मां सती का है, अपने पिता के यज्ञ की अग्नि में कूद कर भस्म हो गई थी, ये वो सती मां है, ये वो सती मां है जो अपने पिता के यज्ञ अग्नि में कूद कर भस्म हो गई थी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूद कर भस्म हो गई थी, ये वो सती हैं। और आप कहते हो कि मेरी बेटी क्रोध करती है, चिड़चिड़ करती है, ये माता पार्वती जो क्रोध कर रही हैं, ये पूर्व जो पिता के घर में गई थी, पिता ने अपमान करा था, बहनों ने अपमान करा था, भाइयों ने अपमान करा था, परिवार वालों ने अपमान करा था, वो अपमान सती के दिल में भर गया था, वो अपमान आज तक सती के दिल में है, और ये अगला जन्म ले ली वो अपमान आज तक भूल नहीं पाई है, इसलिए चिड़चिड़ कर जाती है, क्रोध कर जाती है, वो अपमान आज तक नहीं भूली है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमारे घर के संस्कार अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, माता पिता अच्छे हैं, दादा दादी अच्छे हैं, रिश्तेदार अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, स्कूल अच्छा है, ट्यूशन अच्छी है, फिर बच्चे इतने चिड़चिड़ क्यों करते हैं? ये आज का नहीं, पूर्व का है, पूर्व का। फिर मेरी बेटी को मैं जो सती थी, पूर्व का अपमान उसके दिल में जो भरा हुआ है वो अपमान समाप्त कैसे होगा? तुम रुका जी ने कहा, अगर पार्वती शिव की आराधना करें। हिमालय राज बोले, ये तो देवऋषि नारद ने मेरी बेटी को वैसे ही शंकर की आराधना बताई। मेरी बेटी को तो शंकर भगवान की आराधना, देवऋषि नारद जब बेटी गोदी में थी उस समय कहकर चले गए थे कि शिव की आराधना करे पार्वती, और मेरी बेटी शिव की आराधना करती है। अगर तुम्हारी बेटी शिव की आराधना करे, और आराधना करते 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 श्रावण का महीना आ जाए, और श्रावण के महीने में अगर मान लो भूल से भी शिवरात्रि पड़ जाए, भूल अवश्य भी शिवरात्रि पड़ जाए, और यदि प्रथम पहर के पूजन में पार्वती अगर एक शिव की आराधना करते करते भगवान शंकर के नाम को पुकारती हुई शिव की पूजन कर ले, शिव की पूजन आराधना कर ले, भूलवश भी श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर पूजन कर ले, तो फिर वो पार्वती जो पूर्व का उसका अंदर जो सती के समय का अपमान भरा हुआ था वो सब भूलवश भूल जाएगी, और पार्वती शंकर की आराधना में इतनी डूब जाएगी कि शिव उसको दर्शन देने के लिए आ ही जाए। हमसे कई लोग पूछते हैं, महाराज जी आप ये पूजन कराते हो ऑनलाइन, इसमें 21 गेहूं के दाने बता देते हो, कहीं काली मिर्ची बता देते हो, कहीं काली तिल बता देते हो, लाल फूल बता देते हो, ये आप भगवान शंकर की पूजन में ये सब सामग्री बता देते हो, धतूरा बता देते हो, बेलपत्र की इतने नग चढ़ाना है, ये काम करना, एक एक चीज एक एक शब्द पुराणों में से कहीं ना कहीं से उस कथा में से लिए गए हैं, उस कथा के अनुसार आपको वर्णित किया जाए। एक धतूरा, उस धतूरे को भी आपको कहा शिवरात्रि के दिन, फिर निवेदन करूंगा, जिस जिस घर में बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हो, बहुएं चिड़चिड़ कर रही हो, परिवार में कहीं क्लेश बना हुआ है, जब आप 2 अगस्त को शाम को 7 बजे शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन बैठो पूजन करने के लिए, आपके नगर के कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आपके साथ बैठे हों, वो पूजन करा रहे हों, और अगर कोई ना मिले तो आप स्वयं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब ऑनलाइन पूजन कर रहे होगे, उस जगह पर आपके पूजन की सामग्री में लिखा है एक, जम के बोलो, धतूरा, एक धतूरा लिखा है। इस धतूरे के पीछे के भाग में, क्योंकि ये जो सोमवार से सोमवार तक का सावन आया है, ये 72 वर्ष के बाद आया, आपको कलकत्ता में कहा था, इसके पीछे के भाग में यदि पीला चंदन लगाकर, अग्र भाग में लाल चंदन लगाकर आप जिस समय पर पूजन करेंगे, और धतूरा चढ़ाने का समय आए उस समय पर जब आप समर्पित करेंगे, तो ये भाव से समर्पित करें कि हमारे घर में जो क्लेश है वो समाप्त करें भोलेनाथ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो धतूरा भगवान देव अदिदेव महादेव को समर्पित करिए, उसका फल फिर हमें बताना कि उसका फायदा मिला कि नहीं मिला।
एक धतूरा, एक बेलपत्र का भी फल, एक लोटे जल का भी फल, ये जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन है इसका एक 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 एक, एक बूंद जल का भी महत्व शिव महापुराण की कथा करते। किसी ने कल के पत्र में था कि गुरुजी हम जो शिवलिंग बनाए घर में सब अलग अलग बनाए या एक बना ले, तुम्हारी जैसी मर्जी। तुम्हारे बच्चों का मन हो रहा है कि हम भी शिवलिंग बनाए, तुम्हारे पति का मन है, पत्नी का मन है, सब एक साथ पूजन करें, एक शिवलिंग बना ले, उसकी पूजन कर ले, जैसा तुम्हारा मन करे। पर 2 अगस्त को शाम को 7 बजे प्रथम पहर की पूजन में करो। और फिर एक बात याद रखना, 12 महीने अगर शिवलिंग बनाते हो, प्रदोष को शिवलिंग बनाते हो, सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, बाकी के महीने में तुम शिवलिंग बनाते हो, तो उसको रात होने से पहले विसर्जन करना पड़ता है। अगर बाकी के समय शिवलिंग बनाते हो तो रात होने से पहले विसर्जन करना पड़ता है। पर जो शिवरात्रि है उसको क्या कहते हैं, शिवरात्रि। मतलब पूजन भी रात्रि को होना है, अनुष्ठान भी रात्रि को होना है, विसर्जन भी रात्रि को होना है, संपूर्ण। अगर 4 पहर की पूजन कर रहे हो तो 4 पहर का विसर्जन होता है। 4 पहर का पूजन होने के बाद फिर सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हो तब आप जाकर विसर्जन करो, वो शिवरात्रि। पर आप जब 1 पहर का पूजन कर रहे हो, मतलब शाम को 7 बजे पूजन कर रहे हो, तो शंकर जी का विसर्जन भी रात्रि को ही कर देना, शिवरात्रि है। इसलिए बाकी के समय पर अगर शिवलिंग बनाओगे तो रात होने के पहले विसर्जन करना पड़ता है। पर शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो तो रात्रि को भी पूजन कर रात्रि को भी विसर्जन कर सकते हो, शिवरात्रि है। इसलिए अब विसर्जन करने कहां जाओगे, पानी गिर रहा है बहुत तेज, नदी नाले फूल हो रहे हैं, तालाब बावड़ी फूल हो रही है, कहीं नहीं जाना, अपने घर के बाहर एक बाल्टी में एक तसले में पानी भरकर रखो और घर के बाहर शंकर भगवान को अपने सिर पर लेकर घर के बाहर निकलो, बड़े आनंद के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में, थाली बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए, बोलबम बोलते हुए शिव जी का विसर्जन। कहीं मत जाओ, घर के बाहर एक तसले में पानी भर लो, उसमें विसर्जन करो। जब वो पानी मिट्टी गल जाए तब किसी पेड़ में किसी वृक्ष में उसको डाल दो, कहीं जाने की जरूरत। नदी नाले पानी के समय में फूल जाते हैं, बहुत पानी भरा रहता है, ध्यान रहे पता नहीं मिट्टी चिकनी होती है, स्मरण तो घर के बाहर, अपने घर के बाहर उसका भी सर। और शंभु शरणे पर मांगू घड़ी रे दुख का दया करी, हिमालय।